The politicians of Kashmir, this NCPDP combine, they had turned Kashmir into Gaza. That's for sure. If you you're saying the NC and PDP have turned or had turned. देखिए आज तो यूनियन टेरिटरी. एक मिनट आपने एक बड़ी बात बोली है. आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी जैसे पार्टीज ने कश्मीर को गाजा बना दिया था. बना दिया था. अगर आप कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू मीन. 2010 में मुझे बताइए आज तो यूनियन टेरिटरी है. आज पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के अंडर है. ठीक 2010 में किसके अंडर थी. आई रिस्पेक्ट उमर साहब. आई थिंक ही इज द ओनली जेंटलमैन इन कश्मीरी पॉलिटिक्स. दैट अपार्ट माई पर्सनल यू नो एडमिरेशन फॉर हिम अपार्ट. NC was in control of the police. तब किसने गोलियाँ चलवाई. तब उन्होंने ही चलवाई. ठीक है 2016 में आ जाइए. उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती थी. एंड यू रिमेंबर दैट प्रेस दैट इनफेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस विद राजनाथ सिंह जी वेर शी इज़ आस्किंग द जर्नलिस्ट जाओ जाओ जाके चाय पी यू डोंट आस्क मी यू नो टू मेनी क्वेश्चन. दीज आर द पीपल हु हैड मेड कश्मीर इन टू गाजा. एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ही हैज़ क्लियर दिस मेस फॉर अस. ही इज़ डन अस अ फेवर. हु आर यू होपिंग विल फॉर्म गवर्नमेंट. This is absolutely my personal opinion disclaimer. I want like NC and BJP to form the government because I want government benefits to percolate to us. I don't want Delhi ka sardar. When I asked Omar Abdullah ki aap pehle kar chuke hain to aap dobara bhi kar sakte hain for political survival, he said it would be the death of my politics if I tied up with a Modi led BJP. Not really, because if they are honest about it. अब अगर वो डबल स्पीक करेंगे तो फिर तो डेफिनेटली होगा. बट इफ दे जस्ट कम क्लीन टू द पीपल यू नो इट्स लाइक वी कैन हैंडल द ट्रूथ. जस्ट टेल अस द ट्रूथ दैट भाई देखो अगर हम लोग अलाय करेंगे दे मे नॉट डू इट बट दिस इज माय विश लिस्ट. आई नो अगर हम लोग कांग्रेस के साथ अलाय करेंगे देन द स्टेट बेनिफिट्स विल नॉट पर्कुलेट टू अस. अगर हम लोग अलाय करेंगे तो देन द स्टेट बेनिफिट्स विल पर्कुलेट. सो यू आर सेइंग द अलायंस शुड बी विद हूएवर इज इन पावर इन द सेंटर. दैट इज हाउ इट हैज ऑलवेज बीन विद कश्मीर. I mean, even before it was a union territory, the center pulled the strings in Kashmir, and like let's admit it, all the Kashmir politicians have always been on a tight leash from the center. So making a secret, फिर आप लोगों को बेवकूफ बनाओगे. Let that era be over.